तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आपके इस चैनल यानी कि मूवीज भक्त पर एक बार फिर से। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज से लगभग 22 दिनों पहले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई मराठी फिल्म यानी कि नवरमाचा नवसाचा 2 फिल्म के शुरुआती 22 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे कि इस फिल्म ने जो है शुरुआती 22 दिनों के अंदर जो है टोटल कितने रुपये की जो है कमाई की है और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या रही फ्लॉप। तो दोस्तों आपको बता दूं कि नवरमाचा नवसाचा 2 जो कि एक मराठी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं सिद्धार्थ यादव और उनके साथ देखने को मिले हैं अशोक सराफ, सुप्रिया पिलगोनकर और सचिन पिलगोनकर। वहीं दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट करा है सचिन पिलगोनकर ने। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो टोटल बजट है वो लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए का जो है रखा गया था। और बात करें कि इस फिल्म ने जो है अभी तक बॉक्स ऑफिस पर जो है टोटल कितने रुपए की जो है कमाई की है, तो आपको बता दूं कि इस फिल्म ने जो है अपने शुरुआती 21 दिनों के अंदर जो है बॉक्स ऑफिस पर से जो है टोटल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग जो है 20 करोड़ 5 लाख रुपए का जो है किया है। वहीं इस फिल्म का जो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है वो लगभग 23 करोड़ 70 लाख रुपए का जो है निकल के आया है। जी हां दोस्तों आपको बता दूं कि यह फिल्म जो है अभी तक 23 करोड़ 70 लाख रुपए का जो है टोटल ग्रॉस कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर से जो है कर चुकी है। वहीं दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के आज यानी कि 22वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो आपको बता दूं कि यह फिल्म जो है आज अपने 22वें दिन बॉक्स ऑफिस पर से जो है तकरीबन 15 लाख रुपए का जो है टोटल इंडिया नेट कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर से जो है करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों उम्मीद है कि यह फिल्म जो है आगे भी इसी तरह से जो है अच्छी खासी कमाई करेगी और बॉक्स ऑफिस पर से जो है यह फिल्म एक क्लीन हिट फिल्म का जो टैग है वो हासिल कर चुकी है। हालांकि दोस्तों आप बताओगे अगर आपने नवरमाचा नवसाचा 2 फिल्म देखी तो आपको जो है यह फिल्म कैसी लगी हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप आगे भी इस फिल्म के डेली डिवाइस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हो तो हमारे चैनल यानी कि मूवीज भक्त को भी जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।